जी ओम नमस्ते स्वामी जी। जी, मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी स्वामी जी, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरा थायराइड भी है, मेरे को कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ और एलर्जी बहुत ज्यादा मेरे को डस्ट से। एलर्जी, ये स्किन वाली एलर्जी है या श्वास नहीं, वाली डस्ट एलर्जी? वाली, डस्ट 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 वाली एलर्जी एलर्जी। है। हाँ जी, जी गले में बहुत खारिश होती है, चलिए इसकी स्किन होती है, बहुत देखो, ज्यादा प्रॉब्लम है। जिनको भी एलर्जी की प्रॉब्लम है, मैं सबके लिए बता रहा हूँ एक बात। एक तो प्राणायाम करें, प्राणायाम से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, और दूसरा गिलोय का सेवन करें। गिलोय का सेवन करने से, गिलोय चाहे काढ़ा पी लो, चाहे आप गोली खा लो, गिलोय से किसी भी प्रकार की एलर्जी, माने पेट की एलर्जी से लेकर के खाने पीने की चीजों से लेकर एलर्जी से लेकर के स्किन एलर्जी से लेकर के और डस्ट एलर्जी तक, ये सांस की एलर्जी तक, सबके लिए अद्भुत है। अगली और बात, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के लिए गिलोय भी काम करती है, साथ में आप अर्जुन की छाल और एक आपको उसमें यहां दालचीनी चूर्ण दे देते हैं, तो दालचीनी चूर्ण 2 ग्राम डाल दिया और अर्जुन की छाल 1 चम्मच से ले ली, 4-5 ग्राम उबाल करके चाय की तरह, और उसका काढ़ा बना करके थोड़ा दूध डाल सकते हैं उसके अंदर गाय का, वो इसको क्षीर पाक बोलते हैं आयुर्वेद में। तो अर्जुन की छाल, दालचीनी, इसका काढ़ा बना करके पीजिए, और कभी कभी लौकी का जूस पी लीजिए, थोड़ा ठंडा होता है लौकी का जूस, तो सर्दियों में इसको गर्म करके थोड़ा सा काली मिर्च डाल करके भी पी सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल के लिए इससे बेहतर कुछ भी चीज नहीं है। तो लौकी का जूस या लौकी का सूप, और ये मैंने अर्जुन की छाल और दालचीनी कही आपसे, इसका प्रयोग कीजिए। बहुत ही और ज्यादा थायराइड कोलेस्ट्रॉल के साथ हार्ट की भी प्रॉब्लम बढ़ गई है, तो हृदयामृत का भी सेवन कर सकते हैं। के थायराइड के लिए, और सुन लीजिए, थायराइड के लिए एक तो ये पॉइंट है, कपालभाति, उज्जायी, ऐसे भर के रोके रखना और दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ना, कपालभाति, उज्जायी और ये सिंहासन, ये तीन चीजें भी आपने कर ली, आपका थायराइड क्योर हो जाएगा। कपालभाति 10-15 से 20 मिनट, उज्जायी 7 से 11 बार, ये 2 मिनट ये थायराइड का पॉइंट भी दबा लेना, और सिंहासन भी 3 बार कर लेना, थायराइड क्योर हो जाता है। T3, T4, TSS 100% बैलेंस हो जाता है, और हमने ये लाखों करोड़ों लोगों का क्योर किया, उसके बाद में कह रहा हूं, क्योंकि हमने कुछ नई चीजें की, थायराइड को क्योर किया, बीपी, अस्थमा को क्योर किया, अर्थराइटिस को क्योर किया, हेपेटाइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस को क्योर किया, माने 99% डिजीज को हमने क्योर किया। इसलिए देश के करोड़ों लोगों ने हमारी बात पर विश्वास किया, और जो नहीं होता था दुनिया में, कहा जाता था कि ये तो नहीं होता मेडिकल साइंस में, वो हमने करके दिखाया। दूसरी बात, डीजनरेटिव सेल्स को हम रीजनरेट करते हैं, ये पूरा जो प्रोसेस है योग आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा का, ये जो हम आपको बातें बताते हैं, इससे मैंने लीवर, किडनी, हार्ट, स्किन, बोन्स के, आइज के डीजनरेटिव सेल्स रीजनरेट हमने किए। और एक बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूं, लाखों करोड़ों लोगों को हमने आंख के ऑपरेशन से, कान के ऑपरेशन से, नाक के, दांत के, हार्ट के, कमर के, घुटनों के, लीवर, किडनी के ऑपरेशन से बचाया, और यही आपको हम जो उपाय बताते हैं, सब लोग एक साथ सुन नहीं पाते, नहीं तो हमारा तो सपना है कि एक भी व्यक्ति देश में बीमार ना रहे, और जो रोगी हो चुके हैं वो दोबारा से निरोगी हो जाएं, वो देश के लिए, अपने घर परिवार, कुल वंश के लिए उपयोगी हो जाएं, और यही मिशन है हमारा। आपको अधिकतम भाई बहनों को हम जो है इस अभियान से जोड़ रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है आप जो सुनते हैं यहाँ से औरों को भी बताएंगे, और एक जो हमारा स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान, परम वैभवशाली भारत का सपना, उसको साकार करके दिखाएंगे।